हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में क्या गिवन रखा है? द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज 0.5. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इफ एफ इज 21 न्यूटन, बी इज 35 न्यूटन एंड सी इज 30 न्यूटन. तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. एफ अप्लाइड जो हो गया वो 21 न्यूटन दे रखा है. चलिए, मैंने फर्स्ट केस में मैंने ये माना कि लेट बॉथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर. लेट बॉथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर. तो जो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा वो हो जाएगा 7 इंटू ए, और एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 21/7. एक्सेलेशन हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है ना, ये एक्सेलेशन हो जाएगा. चलिए, ये बात आपको समझ में आती है. एक्सेलेशन तो ये हो जाएगा. फिर उसके बाद हमें बात करनी है ऊपर वाले ब्लॉक की. तो ये हो जाएगा 2 kg. फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ. 2 kg, और ये हो जाएगा नीचे वाला 5 kg. ठीक. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एफ फोर्स इज इक्वल टू 21 न्यूटन. आगे की ओर ये एक्सलरेट करा रहा है. यहाँ पे ये आगे की ओर एक्सलरेट करेगा, और यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक नेचर का होगा. अगर ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं, स्टैटिक नेचर की फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी एफ आर एस इज इक्वल टू 2 इंटू ए. 2 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी 3. ये डेट इज इक्वल टू 6 न्यूटन. अब थर्ड कंडीशन, दिस इज द स्टेप नंबर टू. स्टेप नंबर टू, दिस इज द स्टेप नंबर वन. एंड स्टेप नंबर थर्ड जो होगा वो होगा चेकिंग कंडीशन. दैट इज द चेकिंग कंडीशन. क्या ब्लॉक साथ साथ मूव करेगा नहीं करेगा, चेकिंग कंडीशन. तो चेकिंग कंडीशन में क्या है कि एफ आर एस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एफ एफ लिमिटिंग, एफ आर लिमिटिंग. ठीक. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी यहाँ पे इन दोनों सरफेस के बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन होगा 20, डेट इज़ म्यू इंटू एन, डेट इज़ 20 न्यूटन. और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी 60. और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो वन म्यू की वैल्यू है 1/2, डेट इज़ 20. और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सिक्स इज़ लेस देन 10 न्यूटन. और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. कंडीशन इज सेटिस्फाई सेटिस्फाइड. इट मीन्स बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर. अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे तो उनका दोनों का एक्सलरेशन कितना होगा, वो होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमने पहले निकाला था, ये वाला. ठीक है ना. आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेकेंड वाले पार्ट की. बात करते हैं सेकेंड वाले पार्ट के लिए. मैं इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ. यहाँ से मैं कॉपी और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ. ये हमारा सेकंड क्वेश्चन. और इस सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं बी, इफ एफ इज इक्वल टू 35 न्यूटन. अगर 35 न्यूटन लग रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा? फिर से वही हमें वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी. तो क्या होगा देखते हैं. तो मैंने मान लिया फिर से, लेट बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर. बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर. अगर दोनों साथ साथ मूव करेंगे तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों ब्लॉक का एक्सलेशन देना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये 2 kg, और यहाँ पे हम 5 kg. ये एफ की वैल्यू 35 न्यूटन, और ये पूरा का पूरा आगे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है. तो एफ इज इक्वल टू 7 इंटू ए, और ये हो जाएगा 35 न्यूटन, है ना. और ये 7 इंटू ए, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन. ठीक है, ये स्टेप नंबर वन. अब देखिए स्टेप नंबर टू, कि ये 2 kg वाला जो ब्लॉक है, इस वाले ब्लॉक को ऊपर से एक्सलरेट करवाना है. ये कितने से एक्सलरेट करवाना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. और इसको एक्सलरेट कराने वाला फोर्स कौन सा होगा, ये लगने वाला होगा स्टैटिक फ्रिक्शन. और इसके अलावा ये 5 kg का ब्लॉक जो है,
यहाँ पे लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये एफ की वैल्यू हो जाएगी 35 न्यूटन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमें चेक करनी पड़ेगी, देखते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी, क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक को ए एक्सेलरेशन से मूव करा रहा है ये स्टैटिक फ्रिक्शन, तो यहाँ से इजीली निकाला जा सकता है। तो 2 × 5 डेट इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है 10 न्यूटन। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैं थर्ड स्टेप की बात करूँगा, चेकिंग कंडीशन। अगर ये चेकिंग कंडीशन की बात करूँ तो एफ आर एस दैट शुड बी लेस देन एफ आर लिमिटिंग। तो इन दिस कंडीशन एफ आर एस की वैल्यू जो होगी यहाँ पे 10 न्यूटन आ रही है, और दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू यहाँ पे एफ आर लिमिटिंग म्यू इंटू M1G। तो म्यू की वैल्यू हो जा रही है 1/2, और M1G की वैल्यू हो जाएगी 10 20। तो ये 10 न्यूटन के बराबर आ रही है, इसका मतलब एफ आर एस जो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ आर लिमिटिंग आ रहा है। इट मीन्स बोथ ब्लॉक्स ब्लॉक्स आर एट द वर्ज ऑफ इट्स मोशन। बोथ बोथ ब्लॉक्स आर एट द वर्ज ऑफ इट्स रिलेटिव मोशन, मतलब कि रिलेटिव मोशन जस्ट इस पॉइंट पे हो रहा होगा, है ना, जस्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसी क्वेश्चन को हम लोग, अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और थर्ड पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। थर्ड पार्ट को अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, तो ये सी पार्ट, और सी पार्ट में एफ फोर्स जो अप्लाइड हो रखा है वो 40 न्यूटन का है। इफ लेट बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, लेट बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, है ना। मैंने माना, जस्ट रिज्यूम करा, जैसे प्रोसेस हम लोगों का आपस में पहले वाले क्वेश्चन है वो इसी तरीके से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे ये 2 kg का ब्लॉक, और यहाँ पे ये 5 kg का ब्लॉक, ये 5 kg का ब्लॉक, और यहाँ पे ये वाला जो फोर्स है ये एफ इज इक्वल टू 40 न्यूटन इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, और ये आगे की ओर एक्सेलरेट करेगा। मैंने जस्ट रिज्यूम करा कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। तो 7 × a एक्सेलरेशन इज 40/7, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी अप्रॉक्स 5.7 और 1, डेट इज एक्सेलरेशन इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आती है। अब देखिए, इतनी बात तो समझ में आती है। स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे हमने स्टेप नंबर 1 की बात करी थी, स्टेप नंबर 1, ठीक। स्टेप नंबर 2 में हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि हमने ये एज्यूम करा है कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। तो क्या होगा, क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ हमें चेक करनी होगी। तो यहाँ पे ये 5 kg का ब्लॉक है, और यहाँ पे लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक नेचर का होगा, क्योंकि हमने एज्यूम करा कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं। देखते हैं कि ट्रू होगा या नहीं होगा, देखते हैं। एफ आर एस स्टैटिक, अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो 5.7 मैंने जस्ट एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। वो मैंने 40/7 ये एक्सेलेशन ये वाला ले लिया, ठीक है ना। तो एफ आर एस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × a, और डेट इज इक्वल टू 2 × 40/7, डेट इज 80/7 एफ आर एस हो जाएगा, ठीक है ना। स्टेप नंबर थर्ड, डेट इज द चेकिंग कंडीशन, चेकिंग कंडीशन डेट बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर और नॉट, इट शुड बी एफ आर एस शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ आर लिमिटिंग इफ बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। तो देख लेते हैं, एफ आर एस की वैल्यू हो रही है 80/7, डेट शुड बी लेस देन इक्वल टू μM1G, और μM1G की वैल्यू 1/2 × 20 80/7 डेट इज 10, और ये आ रहा है 11.3, और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, रॉन्ग, कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाई, कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाई, कंडीशन
कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब ये हुआ कि बोथ ब्लॉक्स, इट मीन्स बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। अगर ये दोनों डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो ऊपर वाले ब्लॉक को मैंने ये 2 kg का ब्लॉक मान लिया, और यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन जो होगा वो काइनेटिक नेचर का होगा, ये वाला जो फ्रिक्शन यहाँ पे हमने मान लिया, यहाँ पे हमने मान लिया 5 kg का ब्लॉक, और यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक नेचर का होगा, और यहाँ पे एफ लो जो लग रहा है वो 40 न्यूटन का लग रहा होगा। अब देखिए, ये ऊपर वाला A1 एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है, ऊपर ये A2 एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है, तो एफ आर के इज इक्वल टू 2 × A1 हो जाएगा, और एफ आर के की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे म्यू इंटू M1G, डेट इज इक्वल टू म्यू के की वैल्यू कुछ गिवन दे रखे हैं, नहीं दे रखे, म्यू के की वैल्यू हमें 1/2 ही कंसिडर करके चलना पड़ेगा, तो 1/2 × MG, M1G 20 हो जाएगा, ये हम बात कर रहे हैं इस वाले ब्लॉक की, है ना, इसमें नॉर्मल फोर्स लगेगा, डेट इज इक्वल टू 2 × A1। तो A1 की वैल्यू यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो A1 की वैल्यू आ रही है 5 m/s². ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं एफ आर, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड ब्लॉक के लिए, और सेकेंड ब्लॉक के लिए हम लिखेंगे एफ माइनस एफ आर के, डेट इज इक्वल टू 5 × A2। एफ की वैल्यू है 40 माइनस म्यू के इंटू M1G, डेट इज 5 × A2। 40 माइनस म्यू के की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, म्यू के की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1/2, एंड M1G की वैल्यू 20, है ना, तो ये 5 A2, एंड A2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 30/5, डेट इज 6 m/s². आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।